हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बुंदेलखंड की ट्रेडिशनल रेसिपी है, और ये हम बनाएंगे नमकीन पूरन पूड़ी। और पूरन पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम दाल ली है चने की, और नमक और हल्दी। सबसे पहले मैंने इसको धो दिया है, आप चाहे तो इसको आधे घंटे के लिए भिगो भी सकते हैं। और मैंने अभी तुरंत ही इसको धोकर और मैं इसे पकाने जा रही हूँ। मैं इसे सबसे पहले कुकर में डालूँगी। इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे, पानी हम और डालेंगे क्योंकि चना ज़्यादा है दाल में। मैंने दो ग्लास पानी डाला है। अब मैं इसमें हल्दी और नमक डालूंगी, एक चम्मच करीब हल्दी और नमक एक चम्मच। इसे हम मिला देंगे और अब हम इसे प्रेशर कुकर में लगभग एक सीटी आने तक पकाएंगे। एक सीटी आ चुकी है और हम इसे ठंडा होने पर ही खोलेंगे। इसका प्रेशर अपने आप जब निकल जाएगा तब हम कुकर को खोलेंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर पूरा निकल गया है, अब हम इसे खोलेंगे। दाल पक गई है, अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी बचेगा तो वो हम निकाल देंगे। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी बचा है, हम इसे छान कर निकाल लेंगे। अब हम इसे छन्नी में निकाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे पीसेंगे। पीसते समय हमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है क्योंकि ये हमें एकदम भुरभुरा इसका मसाला बनाना है। ये पीसने के बाद एकदम भुरभुरा रहेगा। दाल को मैंने पीस लिया है और ये इस तरह से पूरी अच्छी तरीके से पीस गई है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। हींग आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला दो बड़े चम्मच और घाटी मसाला एक बड़ा चम्मच। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे पहले हम इसमें नमक भी डालेंगे। नमक हम स्वादानुसार डालेंगे, नमक थोड़ा तेज़ ही रखेंगे क्योंकि आटे में जब वो इसका भरावन हम डालेंगे तो ये बराबर बैलेंस हो जाएगा। आप चाहे तो अगर आटे में नमक डालेंगे तो फिर इसमें ज़्यादा नमक ना डालें, जिससे बैलेंस बराबर रहे नमक का। हम पूरा भरावन अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो खड़े मसालों को भी भून कर और इसे पीस कर इस पर डाल सकते हैं, और चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। गरम मसाले में सारे मसाले होते हैं इसलिए मैंने गरम मसाला यूज़ किया है, नहीं तो आप चाहे तो इस पर खड़ी धनिया, मिर्च, जीरा, तेज पत्ता ये सब भून कर और उसे पीस कर मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से ये होना चाहिए। अब हम इसकी पूड़ियाँ तैयार करेंगे। आटा मैंने गूंद लिया है, इसमें मैंने एक चम्मच नमक डाला था, आप अपने स्वादानुसार नमक डालिए।
क्योंकि मसाले में भी नमक होता है, जो हमारी स्टफिंग बनी है उसमें भी नमक होता है, इसलिए आप अपने स्वादानुसार नमक डालिए। आटा जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, आटा जैसे हम रोटी के लिए बेलते हैं वैसा ही रहना चाहिए। अब हम इसमें भरावन डाल के चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे और ये इस तरह से बंद हो जाएगा। इसे हम पतला ही बेलेंगे। आराम से बेलना है जिससे इसका मसाला बाहर ना निकले और रोटी फटे ना। ये हम इसमें फिर से आटा लगा लेंगे जिससे कि ये फटे ना। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे। इसी तरह हम सारी पूरियां बेल लेंगे और इसे चाहे तो जो भी तेल आप यूज़ करते हो खाने में उसे आप सेक सकते हैं। अब हम इसे पलट लेंगे, एक साइड से हो गया है, आज मीडियम रखेंगे अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी तेल लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ। ब्राउन होने तक हम इसे सेक लेंगे। तैयार हो गई है, दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी पूरियां तैयार कर लेंगे। बघेलखंड की ट्रेडिशनल रेसिपी नमक वाली पूरी आम रस के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। जब आम का मौसम नहीं होता तब इसे पके आम की पट्टी, जिसे अमावट भी बोलते हैं, उसे भिगोकर और उसमें शक्कर मिलाकर आमरस तैयार किया जाता है और इस नमक वाली पूरन पोली को बनाकर खाया जाता है। आप इसे खाइए, खिलाइए और अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।